Good morning, students. Here I am your math teacher, and today we are going to continue the exercise 1.3, question number 4. So look at the question. Question number 3. So first of all, we are going to read this. Question number 3 is: you are given the following 7 digits. Use them to form the smallest and the largest 7 digit number. Each digit must be used only once. देखिए आपको ये एक 7 digits दिए हुए हैं 2, 8, 1, 3, 4, 5, 7 और आपको इनको यूज करते हुए एक स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है और एक ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है. और ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ एक ही बार यूज होंगे, मीन्स कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा. सो इसको स्टार्ट करते हैं. आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन अपनी प्रीवियस क्लास में किए हुए हैं. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी विल राइट द डिजिट. तो अब हम लिखेंगे डिजिट कौन कौन सी है. क्वेश्चन है हमारा फॉर्म स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डिजिट. चलिए अब देखिए आपको नंबर दिए हुए हैं 2, 8, 1, 3, 4, 5 and 7. सो इट इज 7 डिजिट्स. अब देखिए यहाँ पे 2, 8, 1, 3, 4, 5, 7 ये आपको डिजिट्स दिए हुए हैं. अब आपको इनको यूज करते हुए बनाना है एक स्मॉलेस्ट नंबर और एक लार्जेस्ट नंबर. अब सबसे पहले हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर. देखिए जब हमको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है, स्मॉलेस्ट डिजिट को फॉर्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स हमको दिए होते हैं उनको हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, आपको ये जो भी नंबर्स दिए हुए हैं इनको हम राइट डाउन करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉल टू लार्जर. अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस. सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट लिखेंगे तो सबसे छोटा डिजिट है 1. असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना, तो सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट 1, उसके बाद उससे बड़ा डिजिट 1, के बाद है 2, 2 के बाद है आपका 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद है 7 और 7 के बाद में है आपका डिजिट 8. ओके, देखिए आपको 7 डिजिट थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमने कुछ नहीं किया, बस ये जो हमारे नंबर्स थे इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. अब हम कॉमास लगा देंगे यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ पे 1, 2. ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग दीज डिजिट. ये जो हमारे ये जो डिजिट दिए हुए थे इनको यूज करके हमने ये जो नंबर बनाया है ये स्मॉलेस्ट नंबर है बाय यूजिंग दीज डिजिट. अब हम इसको बनाएंगे, इसका सेकंड जो पार्ट है वो दैट इज लार्जेस्ट नंबर. अब इसका लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या था, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में. अब हम इसको लार्जेस्ट नंबर को फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, इसी नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे. सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा था इसमें, 8. 8 के बाद 7, 8, 7, 5, 4, 3, 2 and 1. अब देखिए कॉमास लगा देंगे 1, 2, 3 इधर और ये इधर. तो 12,34,578 is the smallest digit by using these numbers and
87,54,321 is the largest digit that we form by using these numbers.